आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल एक्सरे डायफ्रेक्शन। फॉर्मूला इसका है एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। डी क्या है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो हमारे पास दो ही चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको मीटर में गिवन होंगी, एक वेवलेंथ और एक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी क्योंकि वेवलेंथ बिल्कुल वाजे तौर पे लिखी हुई होती है कि ये एक्सरे की वेवलेंथ है, तो इसीलिए दोनों में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो बुक के दो न्यूमेरिकल हैं और इसके अलावा पास पेपर में 3 न्यूमेरिकल आए हैं, तो अगर हम एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कर लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल करने में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो बुक का जो है मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 8 करवा रहा हूँ। इसके बाद बुक का न्यूमेरिकल नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें एंगल का फ़र्क है। और जो पास पेपर में न्यूमेरिकल हैं वो भी बिल्कुल सेम है 8 और 9 की तरह। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, इसके बाद जो है इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बुक का पेज नंबर है आपके पास पेज नंबर 318, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है हाउ फार अपार्ट आर द डायफ्रेक्टिंग प्लेन्स इन अ NaCl क्रिस्टल फॉर विच एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम मेक अ ग्लेंसिंग एंगल ऑफ 15°54' इन द फर्स्ट ऑर्डर। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फार अपार्ट आर द डायफ्रेक्टिंग प्लेन्स, यानी कि आपको डी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। डी आपने फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ जो है आपके पास यानी कि लैम्डा आपके पास गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.54 एक्सपोनेंट -10 मीटर। एंगल आपके पास गिवन है 15°54' और m आपके पास गिवन है फर्स्ट ऑर्डर। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, डायफ्रेक्टिंग प्लेन्स के बारे में मालूम करना है कि दो डायफ्रेक्टिंग प्लेन्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इस चीज़ को समझना कि 15°54' को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास ये 15°54' को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे हमने लिख लिया 15°54'। अगर मुझे इसको टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 15° + 54/60। इन दोनों इसको मैं डिवाइड करूँगा, इसके साथ मेरे पास जो आंसर आएगा उसे मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 15.9°। ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास है कि इसे हम कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक बटन है ये वाला, तो इसमें डिग्री भी है और मिनट भी है। तब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 15 दबाया और यहाँ लिख दिया 15°, फिर 54, फिर से ये बटन प्रेस किया तो ये हो गया 54 मिनट। और अब आपने इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना है तो आपके पास लिखा हुआ आएगा 15°54' और ये इसका मतलब होता है, जो जीरो के ऊपर डबल डैश बना हुआ है इसका मतलब होता है 0 सेकेंड। लेकिन क्योंकि हमें 15°54' को फाइंड आउट करना है तो हम अगेन ये वाला बटन जो है प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.9°। तो आपने थीटा को
या तो भाई कैलकुलेटर कन्वर्ट कर लें, या आपको ये प्रोसीजर मैंने बता दिया है, इस प्रोसीजर के थ्रू आप थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 15.9 डिग्री। या आपके पास आ गया एंगल। यहां पे हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है d की, तो m लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू d। वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 साइन 15.9। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.54 एक्सपोनेंट माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय 2 साइन 15.9। तो आपके पास आंसर आ रहा है डी का 2.81 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। और आपको पता है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 2.81 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था रिलेटेड टू द एक्सरे डायफ्रेक्शन। फास्ट पेपर में भी जो इसके क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसकी तरह, कभी आपने डी फाइंड आउट करना होगा या फिर आप एंगल भी फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इजी हैं, तो कोशिश करें कि पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल खुद ही सॉल्व कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।